हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका दोस्त स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट एजुकेशनल न्यूज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते होंगे, 6 जून तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन के कारण परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की तारीख 6 जून तक बढ़ा दी है। जो स्टूडेंट्स भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, वो स्टूडेंट्स यदि अपना परीक्षा फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो 6 जून तक फिल कर सकते हैं। इस तारीख में पांचवीं बार आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले 20 मई तक फॉर्म भरने की अनुमति थी, लेकिन अब विद्यार्थी 6 जून तक फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद कॉलेजों को 10 जून तक फॉर्म अटेस्ट कर परीक्षा नियंत्रक विभाग में जमा करना होगा। इसके साथ ही अगली अपडेट यहां पर, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाओं का नया कार्यक्रम 5 जून को जारी किया जाएगा। यूपीएससी ने बुधवार को कहा कि इस साल होने वाली सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा समेत विभिन्न परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम 5 जून को अपलोड कर दिया जाएगा। कोरोना संकट के कारण 31 मई को होने वाली परीक्षा टाल दी गई थी। इसके साथ ही अगली अपडेट यहां पर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स के लिए है। इन स्टूडेंट्स को जो डिग्री होगी या फिर जो सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट वगैरह होगी, वो ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराई जाएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, सीसीएसयू छात्रों को ऑनलाइन पीसी डिग्री और मार्कशीट उपलब्ध कराने पर लगा दी गई है मुहर। निर्धारित शुल्क के साथ कर सकेंगे आवेदन। विश्वविद्यालय में डिग्री मार्कशीट के लिए ऑनलाइन सुविधा। इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं को प्रोविजनल डिग्री पी यानी कि पीसी डिग्री और मार्कशीट के लिए ऑनलाइन सुविधा देने को हरी झंडी दे दी है। छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रोसेस के लिए निर्धारित शुल्क जमा करते हुए आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय ने डाक विभाग अथवा कुरियर के से छात्रों के निर्धारित पते पर भेजने को भी हरी झंडी दे दी है। लॉकडाउन के बाद विश्वविद्यालय टेंडर प्रक्रिया के जरिए घर तक प्रमाण पत्रों को पहुंचाने के लिए कंपनियों को आमंत्रित करेगा। तब तक छात्रों को काउंटर से भी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही यदि आप ऑनलाइन मोड में डिग्री या अदर कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। अब इस क्रम से आएँ जिले के छात्र। जी हाँ दोस्तों, कौन से डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को किस डेट को और किस डे में यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट उपलब्ध कराई जाएंगी, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट एक बार ले सकते हैं। बात करते हैं इसके साथ ही अगली अपडेट के बारे में। बीबीयू के स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट के लिए 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि UIEET के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस कैंपस प्लेसमेंट में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कंपनी शामिल हो रही है। इस प्रक्रिया में UIEET के वर्ष 2018 और 2019 और इस वर्ष के अंतिम सत्र के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। कंपनी इंटरप्राइज सर्विस डिलीवरी इंश्योरेंस इंजीनियरिंग के रिक्त पदों के लिए विद्यार्थियों का चयन करेगी। जो विद्यार्थी प्लेसमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे 23 मई तक professor.thiren@gmail.com पर CV मेल कर सकते हैं। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। बगैर एंट्रेंस के राज्य विश्वविद्यालय में होगा दाखिला। जी हां दोस्तों, अगली अपडेट यहां पर प्रयागराज से है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में नए शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित नहीं होगा। परास्नातक के 11 पाठ्यक्रमों में नव प्रवेशियों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी। इसके लिए मंडल के सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वह भी प्रवेश प्रक्रिया अपने स्तर से शुरू करें। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। यहां पर आप देख सकते होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 से रिलेटेड है। ST के 1110 पद खाली, SC को मिलेगा मौका। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1110 पद खाली रह जाएंगे। इस कंडीशन में आरक्षण नियमों के अंतर्गत ST के इन रिक्त 1110 पदों पर अनुसूचित जाति यानी कि SC के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर UPPSC के स्टूडेंट्स के लिए प्रमाण पत्रों का जो सत्यापन है यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, RO और ERO के चयनित अभ्यर्थियों के लिए, वो 27 व 28 मई से शुरू होगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, सभी को 10 से 12 बजे के बीच
बुलाया गया। समीक्षा अधिकारी यानी कि आर ओ सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO 2017 के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व होने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन 27 मई से शुरू होगा। UPPSC की ओर से सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। समीक्षा अधिकारी के सभी 14 चयनितों को 27 मई को 10 से 12 बजे के बीच बुलाया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से सभी लेटेस्ट न्यूज लगातार प्रोवाइड की जाती है, तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। और फ्रेंड्स इसके साथ ही अगली अपडेट यहाँ पर यूपी पॉलिटेक्निक के एडमिशन को लेकर है। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा एक बार फिर से टाल दी गई है। अब ऑफलाइन पेपर आपका 19 जुलाई को होगा और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो 25 जुलाई को होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका परीक्षा कार्यक्रम कौन से ग्रुप के पेपर कौन सी डेट में होंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, टाइम वगैरह, तो आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने भी यूपी पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन किया है। तो बात करते हैं यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आज की ये नेक्स्ट और लास्ट अपडेट है, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। CBSE की लंबित परीक्षाएं अपने ही स्कूल में जुलाई तक नतीजे। CBSE की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं छात्रों को किसी दूसरे केंद्र नहीं बल्कि पंजीकरण कराने वाले स्कूल में ही देनी होंगी। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो होम एग्ज़ाम सेंटर होगा, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं उसी में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अब होंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। जुलाई के अंत तक परिणाम घोषित होंगे। लॉकडाउन की घोषणा से पहले हुई विषयों की परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है और आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो कब से होंगी इसके लिए ऑलरेडी CBSE की बोर्ड की तरफ से आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए कुछ आज की महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरह से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।